अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं किस कदर खराब हुई हुई है। और सुबह से इतनी मसरूफियत थी, इतनी सारी मसरूफियत थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, फिर हमने अपना सारा घर का सामान पैक किया और किचन का सामान सारा बाइंड अप करके जिसके पास सामान रखवाना था उसके पास सामान रखवाया, और बहुत ज़्यादा काम था वो सारा किया। और अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी हम थोड़ा सा सामान मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते। तो जो काफ़ी तकरीबन 5-6 बैग हम ऑलरेडी छोड़ाए थे, अब ये मिरर, और इसके अलावा वो आयरन, ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें। तो ये चार चीज़ें मुझे दोबारा भी जाना है अपने फ्रेंड के पास, वो वेट कर रही है पास में ही, उसका फ्लैट है, उसके पास चीज़ें छोड़नी है। फिर उसके बाद मुझे हम वहाँ से आएंगे वापस, फिर जल्दी से नहाएंगे, फिर कुछ खाएंगे, रोज़ा रखेंगे और फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। तो मैं आज आपको टोटल अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगी फ्रॉम बिश्केक टू इस्लामाबाद एंड फ्रॉम इस्लामाबाद टू नारवाल। तो मेरे साथ रहिएगा। तो यार ये हमारा सामान तकरीबन बल्कि पैक हो चुका है सब कुछ, और सारी पैकिंग शेकिंग स्टार्ट है। इतना ज़्यादा काम खराब हो रहा ना, मैं बार बार उस बैग को बंद करती हूँ, कुछ भी नहीं रहा, सारे घर का राउंड लेके, लेकिन फिर कुछ ना कुछ रहता है। अब ये छाता हमारा बाहर रह गया है, उसको दोबारा बैग में डालना पड़ेगा। मतलब ईद मुबारक भाई। यार ये हमारा मेरा ड्रेस जो अभी मैं पहनूंगी, पाकिस्तानी ड्रेस। तो यार अभी का सीन कुछ इस तरह है कि हमने नहा धो लिया है, अभी हमारे दोस्तों की तरफ से शाम को इफ्तारी आई थी तो वो चावल थे, हम सोच रहे हैं वही खा लें और उसके बाद फटाफट से तैयार होंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो चलें चावल खाते हैं। बड़ी मज़े की इफ्तारी आई थी, जलेबियाँ, पकौड़े, खजूर, फ्रूट चाट जो हड़प के, और ये बिरयानी जब हम हड़प, ये सब कुछ खा जाएंगे और बस। तो यार 4:30 हो चुके हैं और तकरीबन हमारा एस्टिमेट था कि हम 5:15 तक घर से निकलेंगे, और हमें रास्ते से मास्क भी लेने हैं और ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र। तो हम ऑलरेडी लेट हैं और अब फटाफट से हम तैयार होंगे, कपड़े मैंने पहन लिए हैं, फटाफट से बाल स्ट्रेट करूँगी, फिर थोड़ा मेकअप वगैरह, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से हम निकलेंगे। तो यार तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, हम घर से निकलने वाले थे और अचानक से मेरा नेट ऑफ था, मैंने नेट ऑन किया अपना तो अचानक से मैंने मैसेज देखा और मैसेज था कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है 2:30 बजे अब दोपहर को। और लिटरली हम तैयार हुए बैठे हैं और इतनी स्लीपिंग सिकनेस है, हम सोए नहीं 2 रातों से और अब फ्लाइट डिले हो गई, और अब पता नहीं तैयार हुए बैठे हैं, कपड़े पहन के सब कुछ रेडी है। मैं तो ये इंडेक्स करवाने लगी थी लेकिन खैर हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, तो हमारी फ्लाइट लेट हो चुकी है और 5-6 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम सो रहे हैं, तो उसके बाद उठ के सुकून से जाएंगे। तो यार मैं आपको बता नहीं सकती कि लिटरली हम कितना थके हैं। मतलब कल हम सुबह 9 बजे उठे थे और उसके बाद 1 मिनट नहीं सोए, और अभी सिर्फ फ्लाइट डिले होने की वजह से तकरीबन 5 बजे हम सोए थे और 8 बजे उठ गए हैं, बल्कि 6 बजे सोए थे और 8 बजे उठ गए, मतलब सिर्फ 2 घंटे सोए हैं हम कल से लेकर अब तक। और आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि कितनी हालत ख़राब है, बहुत नींद आ रही है, और अभी 8 बज गए हम उठ गए ताकि हम जल्दी जल्दी से दोबारा तैयार हो जाएँ और एयरपोर्ट चल जाएँ। और अभी मेरा कोई दिल नहीं है दोबारा मेकअप करूँ, और ना ही मैं करूँगी मेकअप। तो यार अभी के सीन कुछ इस तरह है कि फाइनली हम सारा इंडेक्स वगैरह करवा लिया और अभी निकलने लगे हैं और सारा सामान नीचे उतारेंगे और चलते हैं।
फाइनली हमने अपना सारा सामान नीचे उतार लिया है और मैं आपको मौसम के बारे में बता दूंगी बिश्केक का। मौसम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठंडा ठंडा सा हल्की हल्की सी धूप है और बहुत प्यारा मौसम है आज। यहाँ पे एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पीछे खड़े हैं, मैम की भी ऑब्वियसली फ्लाइट है तो बस अभी हम सामान निकलवा रहे हैं और अभी हम एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। तो यार अभी का सीन कुछ ये है कि इतनी जलालत के बाद क्या आप सोचा है हम फाइनली वेटिंग लॉन्च में आके बैठ गए, हमें बोर्डिंग पास मिल गया। फिलहाल अभी हम अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, एक डेढ़ घंटा है तो लेट्स सी। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ जलालत और इंतज़ार, सुबह की फ्लाइट डिले होने के साथ साथ मतलब इतनी स्लीपिंग सिकनेस के साथ हम प्लेन में बैठ चुके हैं और अभी ये आई गेस 20-30 मिनट्स के अंदर टेक ऑफ करेगा और आपसे पाकिस्तान जाके मिलती हूँ। अभी का सीन कुछ इस तरह है कि हम इस्लामाबाद लैंड कर गए, वहाँ तकरीबन डेढ़ घंटा हो गया, आधा घंटा हम प्लेन में ही बैठे थे, कुछ वो सीन था कोई आई डोंट नो। फिर उसके बाद इतना चल के हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमारा कोरोना टेस्ट होगा और ये आपको मैं दिखाती चलूँ, ये इन्होंने हमारा सैंपल ले लिया और यहाँ टोकन नंबर लिखा है, फिर अभी अनाउंसमेंट होगी, हम जाएँगे, हमारी रिपोर्ट बनेगी, फिर हम वो उस एंट्रेंस से, वो जहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं ना बच्चे जाते हुए, उस एंट्रेंस से बाहर जाएंगे और हम फ्री हैं। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस है बच्चे, ये चीज़ मुझे पसंद आई है। अगर ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले होती तो मे भी कोरोना ना फैलता इतना पाकिस्तान में, लेकिन खैर आई लाइक इट। और बाकी सूरत हाल मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऊपर एन लिख दिया और अभी वहाँ से मैं हाथ चेक करवाऊँगी और हम निकल जाएंगे। यार ना ही पूछे कितनी जलालत है, फाइनली हम निकल आए बाहर, फाइनली हम निकल आए बाहर, वो पीछे वहाँ से हम बैगेज अपना रिसीव करेंगे और फिर बाहर जाएंगे, घर वाले वेट कर रहे हैं बाहर। अभी का सीन कुछ इस तरह है, मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ कि मैं इस्लामाबाद से लाहौर तक अक्सा के साथ आई थी, उसके बाबा के साथ, और आगे से मेरे भाई ने मुझे पिक किया और अभी हम जा रहे हैं नारवाल और इतना लंबा सफ़र है, मुझे रोना आ रहा है कि यार सुबह से लेके शाम तक मैं सोई भी नहीं और हालत ख़राब ही हुई है। अस्सलाम सलाम दुआ ले लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? ठीक है। वो सब ठीक है, मैं नहीं ठीक। तो अभी हम घर जा रहे हैं, दुआ करें मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ।